गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल पी कॉर्न। होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ साड़ी टिप्स। तो वो है ऐसे साड़ी टिप जो साड़ी के ऊपर आप किस तरह से ज्वेलरी वेयर कर सकते हो, मतलब राइट ज्वेलरी किस तरह से वेयर कर सकते हो, वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। और ये लुक अगर आपको पसंद आता है तो आई बटन में यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। ये है न्यूली ब्राइड के लिए लुक, तो मेक श्योर उसे आप लोग चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आप हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। साड़ी के साथ जो भी ज्वेलरी वेयर की जाती है ना, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, तो उन वाले ऑप्शन के ना हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा वाला पहन सके, क्या इसके ऊपर ये अच्छा दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो इस तरह का ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाली हूँ आपके। मतलब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे पता है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, क्योंकि वो मैं रेगुलर लाइफ में अपने यूज़ करती हूँ, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेक श्योर अगर आपको गाइस ये वीडियो अच्छा लगता है ना, तो मेक मुझे कॉमेंट को जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। तो जो फर्स्ट वाली टिप है ना, वो सिंपल सी टिप है। जो भी आपके साड़ी का बॉर्डर होता है ना, उससे आप अपनी ज्वेलरी मैच कर सकते हो। और मतलब का साड़ी का बॉर्डर अगर सिल्वर कलर का है तो सिल्वर कलर की ज्वेलरी वेयर कीजिए, अगर आपका गोल्डन कलर का है तो गोल्डन कलर की वेयर कीजिए। तो इस तरह से आप उसे मिक्स करके आप उसे वेयर कर सकते हो। अगर आपने साड़ी हैवी वाली पहनी है, हैवी वर्क वाली आपकी साड़ी है, तो आपको उस पे ऊपर ना कोई भी हैवी इयररिंग नहीं पहनने चाहिए, उसके ऊपर आपको सिंपल से इयररिंग पहनने चाहिए, और जो स्टेटमेंट इयररिंग्स आते हैं ना वो वाले पहनने चाहिए। उससे आपका जो भी लुक हो ना, ओवरऑल लुक आपका बहुत खिल के भी आता है। अगर आपकी साड़ी हैवी है और उसके ऊपर आप हैवी ज्वेलरी पहन रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा ऑड लगता है। तो आप ना मिनिमल से ही ज्वेलरी रखो, मतलब जो भी मिनिमल पहनते हो ना वो भी बहुत अच्छा दिखता है। तो जो अगर आपकी साड़ी हैवी है तो आप उसके ऊपर मंगलसूत्र पहनो, या फिर इयररिंग्स आप हैवी पहन रहे हो तो आप जो गले का पहन रहे हो, गले का जो भी चैन है या फिर कोई भी आपका नेकलेस है, वो आप ना पहनो, बस आप इयररिंग्स ही पहनो। या फिर अगर आपकी साड़ी सिंपल है तो आप हैवी पहन सकते हो, उसके साथ आप सिंपल भी पहन सकते हो। जो भी साड़ियाँ ऐसी बाज़ार में आती हैं जिनके ऊपर ना कोई भी वर्क किया हुआ नहीं होती है, ओनली नो वर्क वाली वो साड़ियाँ होती है, तो उनके ऊपर आपको बेसिकली ना सिंपल ज्वेलरी पहननी होती है, या फिर आप उनके ऊपर ऑक्साइड ज्वेलरी या फिर जो सिल्वर ज्वेलरी आती है ना, उनका अभी क्रेज़ है बहुत ज़्यादा, तो वो भी आप वेयर कर सकते हो। लेकिन आप अगर किसी भी ऑफिशियल मीटिंग में जा रहे हो, किसी भी अच्छा काम है आपका, कैजुअल नहीं है, तो उनमें आप मत पहनो, या फिर आप रात के टाइम पे वो ऑक्साइड या फिर सिल्वर ज्वेलरी मत पहनो। आप दिन में पहन रहे हो तो सिल्वर और ऑक्साइड ज्वेलरी पहन सकते हो, उसके साथ अगर कैजुअल वेयर में है तो आप उसे जरूर उसे प्रेफर कर सकते हो। शिफॉन की जो साड़ियाँ होती है ना, वो समर में बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है, और मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है शिफॉन वाली साड़ियाँ, दुपट्टा बहुत पसंद है, और बहुत महंगी भी आती है, तो मैं तो लेने का सोच रही हूँ लेकिन अभी तक ले नहीं पाई हूँ। मेरे पास एक दुपट्टा है, मुझे बहुत पसंद है। तो बेसिकली ना शिफॉन जो भी साड़ियाँ होती है, वो साड़ियों के ऊपर अपना पियर्स वाले जो भी इयररिंग्स आते हैं, या फिर जो भी ज्वेलरी आती है पियर वाली, या फिर आपके साथ पीरल जो ज्वेलरी होती है, मतलब जो मोती होती है, उनकी जो ज्वेलरी होती है ना, वो आप पहन सकते हो। वो रात में भी बहुत अच्छी दिखती है, दिन में भी बहुत अच्छी दिखती है, सभी फंक्शन में, ऑफिस में, कैजुअल में, पार्टी में, वेडिंग में, सभी फंक्शन में वो बहुत अच्छी दिखती है। तो मेक श्योर वो वाली ज्वेलरी ना आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, वो भी बहुत अच्छी दिखती है। किसी भी दिन के टाइम, रात के टाइम, किसी भी टाइम पर, किसी भी फंक्शन पर वो बहुत अच्छी दिखती है। प्लेन पे या फिर शिफॉन साड़ी पे तो बहुत ही अच्छी दिखती है, एलिगेंट या फिर आप रिच लुक आता है उसके ऊपर, तो उसे आप भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो। सिल्क जो साड़ियाँ होती है, मतलब जो भी साउथ इंडियन लोग पहनते हैं ना, वो वाली साड़ियाँ जो होती है सिल्क वाली, तो उसके ऊपर ना आप ट्रेडिशनल ज्वेलरी वेयर करोगे ना तो बहुत अच्छी दिखेगी। मतलब जो टेंपल ज्वेलरी वो लोग वेयर करते हैं बेसिकली, वहाँ पे मतलब उस साइड पे ना उसी जो टाइप की ज्वेलरी वेयर करते हैं, बहुत अच्छी दिखती है। टेंपल ट्रेडिशनल लेयर्स वाली ज्वेलरी आप उसके पास वेयर कर सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छी दिखती है। एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लुक आता है। तो मेक श्योर आप उस लुक को ना बहुत अच्छे से, मुझे पर्सनली मुझे कहूँ तो वो लुक वाला जो वाला वो वाला लुक है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अगर आप नेट साड़ी पहन रहे हो तो आपको ना साड़ी के हिसाब से,
जो भी डायमंड या फिर आप पीरल ज्वेलरी होती है या फिर स्टोन वाली ज्वेलरी होती है ना, वो आप पहन सकते हो। आपको जो भी प्रेफर कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप नेट साइड के ऊपर पहन सकते हो, बहुत अच्छी दिखती है। ओकेशन के हिसाब से भी आपको जो भी ज्वेलरी होती है ना वो वेयर करनी होती है। अगर आप दिन में पहन रहे हो तो जो भी शाइन नहीं होती है ना जिन ज्वेलरी में, वो आप पहन सकते हो। मतलब आप गोल्डन ज्वेलरी, जो भी राइट गोल्ड होता है या फिर जो प्योर गोल्ड होता है ना वो वाली पहन सकते हो, या प्योर जो सिल्वर होता है ना वो वाली पहन सकते हो, जिनमें शाइन ना हो ज़्यादा वो वाली ज्वेलरी आप दिन में प्रेफर कर सकते हो। और जो भी इसमें शाइन होती है ना वो वाली ज्वेलरी आप रात में प्रेफर कर सकते हो। राइट पार्टी हो या फिर कोई भी रात में वेडिंग होती है ना, वेडिंग पार्टी होती है, उनमें आप वो शाइन वाली ज्वेलरी हमेशा डाल सकते हो। जिन साड़ियाँ उनके ऊपर हल्की सी प्रिंट होती है या फिर जो प्लेन साड़ियाँ होती है ना, उनके ऊपर आप लॉन्ग इस तरह से नेकलेस पहन सकते हो, वो वाला बहुत अच्छा दिखता है। या फिर लॉन्ग ईयरिंग्स पहन सकते हो, या फिर जो राउंड शेप में आते हैं ना वो वाले ईयरिंग्स भी उनके साथ अच्छे दिखते हैं। तो वो वाले ईयरिंग्स भी ना, मतलब चोकर जो होता है ना वो उनके साथ इतना अच्छा नहीं दिखता है, इतना लॉन्ग जो भी नेकलेस होता है ना वो अच्छा दिखता है, तो वो आप प्रिपेयर ज़रूर कर सकते हो। ऐसी साड़ी आप पहन रहे हो जिसमें ना ही गोल्डन वर्क है ना ही सिल्वर वर्क है, तो आप ना उस साड़ी के ऊपर आपकी मनपसंद ज्वेलरी पहन सकते हो। मतलब आप गोल्डन पहन सकते हो, सिल्वर पहन सकते हो, ऑक्साइड पहन सकते हो, पीरल वाली ज्वेलरी पहन सकते हो, स्टोन वाली पहन सकते हो, तो आप प्योर गोल्ड पहन सकते हो, प्योर सिल्वर पहन सकते हो, कोई भी पहन सकते हो। तो आपके मन में होता है जो भी आपको सूटेबल होता है वो आप पहन सकते हो। जो भी आपका स्किन टोन होता है ना उसके हिसाब से भी आपको ज्वेलरी पहननी होती है। अगर आपका स्किन टोन वार्म है तो आपको गोल्डन ज्वेलरी बहुत अच्छी दिखेंगी। अगर आपका स्किन टोन जो अगर आपका स्किन टोन कूल है तो आपको सिल्वर ज्वेलरी बहुत अच्छी दिखती है। या फिर मतलब जो स्किन टोन होता है ना वो हमें कैसे पहचानना होता है, तो आपकी ना आपको ना दो ईयरिंग्स लो, एक सिल्वर वाला और एक गोल्ड वाला, और दोनों डाल के देखो कौन सा आपके ऊपर जचता है ना वो देखो, उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो भी स्किन टोन है ना वो वार्म स्किन टोन है, कूल स्किन टोन, या फिर ना यहाँ पे हमारे ना नसें होती है, यहाँ पे खून की नसें होती है, वहाँ पे ना ग्रीन हरी ये भी साबित होती है, तो उससे भी हमें पता चलता है। अगर आपको इस तरह से प्रॉपर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बताना, ये वाला प्रॉपर वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। जो भी आप फुटवेयर वेयर करते हो तो उसको भी आपको ज्वेलरी के साथ मैच करना होता है। मतलब जो फुटवेयर का मेटल होता है ना उसमें कोई भी मेटल हो या फिर कोई भी क्लिफ हो, तो जो भी होता है ना वो आपके ज्वेलरी के साथ मैच करना चाहिए। मतलब आपने ज्वेलरी पहनी है गोल्ड और वो फुटवेयर है सिल्वर कलर का, ऐसा नहीं करना होता है। आपको ज्वेलरी गोल्ड हो तो वो भी मेटल जो होता है वो गोल्ड ही होना चाहिए, तभी आपका ओवरऑल लुक है ना वो बहुत क्लासी लगता है। तो जो लास्ट टिप है और द नॉट द लिस्ट टिप है आपके लिए, वो है जो भी आपके मन में आए वो आप पहन सकते हो। मतलब कोई भी रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है कि आप यही पहनो यही वेयर करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो भी अच्छा दिखता है वो आप पहन सकते हो। मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऑड कॉम्बिनेशन भी आप पहनते हो ना जो नहीं पहनना चाहिए, वो भी आप पहनते हो ना वो भी आपके ऊपर जचता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, मिक्स एंड मैच करके भी पहन सकते हो। तो एक बार उसे ज़रूर आके ट्राई करना और मुझे फिर बताना कि आप भी कौन सा कोई भी कॉम्बिनेशन आप ट्राई करते हो, तो मुझे ज़रूर बताना। तो अगर आपको गाइस ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना और आपके फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और उसके साथ साथ हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।